हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो मेरी पहली अमेज़ॉन फाइंड्स की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी, जैसे होम डेकोर हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, जो कि मैंने पास्ट वन ईयर में खरीदे हैं, 2023 में ही ये सब परचेज हुए हैं, एंड जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उसमें होम डेकोर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, बच्चों के टॉयज़ आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और गाइस, इन सब के जो है ऑर्गेनाइजर्स आएंगे और इन सब के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आसानी से। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाँ मतलब उसके एक्सपेंसिव होंगे, ऑब्वियसली वो अप्लायंसेस हैं तो एक्सपेंसिव है, बाकी सारे इन बजट हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, इसलिए मैंने उनको परचेज करा है। तो गाइस, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर लीव्स, ये फेक लीव है, इनको मैंने अमेज़ॉन से परचेज करा है। और इसमें एक ये सेट ऑफ टू आते हैं, स्ट्रेट लाइन है और इसमें 30 एक स्ट्रैंड में, मतलब टू पीसेस का सेट मैंने ऑर्डर करा है और एक स्ट्रैंड में है इसके 30 लीव्स। और ये काफ़ी अच्छी लगती है बैकड्रॉप्स में या वैसे भी घर के डेकोरेशन के लिए काफ़ी सुंदर लगती है। फिर उसके बाद आपको यही बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी ये वॉल, ठीक है, ये वॉलपेपर है और ये भी अमेज़ॉन से परचेज करे थे 120 या 124 रुपये का। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास अलग से पीस भी रखे हुए हैं, मैंने एक्चुअली दो मंगाए थे, फिर उसके बाद ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो फिर मैंने और मंगा लिए, क्योंकि ये पूरी जो दीवार है वो इस समय यहाँ पर बैठने लायक नहीं थी, कि मतलब मैं यहाँ बैठ कर वीडियो शूट करूँ, वो पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता था तो यहाँ पर मैं शूट नहीं कर सकती थी। प्लस एक चीज़ और है, जहाँ मैं बैठी हूँ तो इसके बिल्कुल सामने ही लाइट है, तो उसमें जो लाइट का है मैं इसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रही थी। अभी मैं आपको शो करती हूँ वो थिंग। गाइस, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आवाज़ आती रहेगी, वो त्रिशा की, वो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। तो गाइस, इस तरीके का वॉलपेपर है, ठीक है, इस तरीके से इतना लंबा ये आता है, सॉरी, ओके। एंड आपको इसको कैसे पेस्ट करना है, इसको सिंगल सिंगल कट करके पीस को लगाना है, क्योंकि अगर एक साथ लगाओगे और आपके जैसे त्रिशा जैसा शैतान बच्चा को एक साथ उखाड़ लेगा, क्योंकि एक जगह मैंने लगाया था तो उसने उखाड़ लिया था, और जब तक आप नहीं उखाड़ोगे तब तक ये नहीं उखड़ेगा। तो ये काफ़ी बजट में और काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है, इसे भी आप ले सकते हो, एकदम एस्थेटिक लुक देता है। जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती जा रही हूँ सबके जो है स्क्रीन शॉट मैंशन होते रहेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, कहीं मैं लगाती रहूँगी, और सबके लिंक जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लेना, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट, ये मैं एक्चुअली अपने होम डेकोर वाले वीडियोस में पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा अमेज़ॉन फाइंड्स वाली वीडियो कर रही हूँ तो ये मुझे दिखाना बनता है। तो गाइस, इस तरीके का मैंने कुशन कवर लिया था, ये काफ़ी झिलमिल वाले और काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी फ़िलहाल ये अनअवेलेबल हो गया है, लेकिन बाद में शायद अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके का कवर है, ये 5 कवर्स सेट मिलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, मतलब मुझे तो बहुत प्यारे लगे। और ये इसका जो कपड़ा है ना, वो फर टाइप का कपड़ा है, मैं इसमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट मेंशन कर, अभी तो मैंने इसमें कवर डाल रखा है। इसमें 5 कुशन भी लिए थे मैंने, ये अनदर अमेज़ॉन फाइंड है, मैं इसको एक्चुअली, तो मैं आपको कवर हटा के दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके का कुशन जो है मैंने लिया था, ये इसमें ये वाले कवर फिट हो, तो देखो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इस तरीके का कुशन है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा था, तो ये भी होम डेकोर का आइटम है, बहुत ही प्यारा लगता है। फिर गाइज, इसके साथ साथ मैंने एक और कवर परचेज करा था, क्योंकि वे सारे एक जैसे हो जाते, तो ये वाला मैंने कवर अकेला एक परचेज करा था, बूहू काइंड ऑफ लुक देता है, बहुत ही सुंदर है। गाइज, ये वाला अवेलेबल होगा, ये आप बिल्कुल चेक कर लेना, प्राइस और सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगी। मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मतलब बहुत ही बूहू सा लुक देता है, तो ये वाला कवर उससे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बाथरूम ऑर्गेनाइज़र, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर देती हूँ, वो मैंने अभी फ़िलहाल बाथरूम में लगा रखा है, तो उसका मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी और वॉइस ओवर उसमें अटैच कर दूंगी। ऑर्गेनाइज़र की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसको परचेज़ करे हुए 1 to 2 मंथ हो गया और अभी तक देखो स्टिक है, तो काफ़ी स्ट्रांग इसकी एडहेसिव है और प्लास्टिक का ये काफ़ी प्यारा सा लुक देता है। नेक्स्ट गाइज, मैंने अपना नेम नियॉन लाइट में परचेज करा था, ये भी अमेज़ॉन से परचेज करा था, स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ, ये आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। मैंने अपना नेम लिखवाया था, आप कुछ भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो, अपना चैनल का नाम या कुछ भी, जो भी आप अपने लव वन को गिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। तो ये स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है, प्लस मैं इसका वीडियो आपके साथ अटैच कर दूँगी, क्योंकि वो भी मैंने पेस्ट कर रखा है अपनी वॉल पर। सो गाइज, गिफ्टिंग पर्पज़ से बहुत ही अच्छा है और सिलिकॉन LED लाइट है और इसमें काफ़ी सेफ्टी भी है, इसमें ग्लास अटैच है पीछे।
नेक्स्ट गाइज मैंने ये परचेज करा है लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर। इसमें एक्चुअली मैंने अपनी लिपस्टिक्स ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी, तो एक ये अटक गया है, मैंने इसमें ढक्कन डाल दिया, मेरे से गलती हो गई। तो इसमें टोटल 24 लिपस्टिक का सेट आ जाएगा। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में, आपको स्क्रीनशॉट पे प्राइस मेंशन हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने लिया था तो उसका प्राइस उस समय कुछ और था, और अभी फिलहाल डिस्काउंट लगाकर या प्राइस जो है कम हो गया होगा, काम या ज़्यादा हो सकता है। तो गाइज ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आपके पास बहुत सारा लिपस्टिक कलेक्शन है। अगर 2-3 का लिपस्टिक कलेक्शन है तो ये नहीं जाएगा आपको, लेकिन हाँ बहुत सारा लिपस्टिक कलेक्शन है तो उसके लिए, आप कंटेंट क्रिएटर है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइज ये सबसे फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है मेरा, मतलब अब तक ये ऑर्गेनाइज़र में मेरा सबसे फेवरेट है। इसमें सबसे अच्छी बात लगी तो एक तो ये बड़ा सा स्लैब है, इसमें बड़े प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, फिर ये छोटे छोटे 2 डिवाइडर करके दे रखे और एक इसमें डिवाइडर नहीं दे रखा, तो मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा चौड़ा है वो भी आ सकता है, और आगे 3 डिवाइडर दे रखे हैं जिसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 2 ड्रॉर्स भी दे रखे हैं, यही तो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगी। तो इसमें अभी फिलहाल मैंने अपने सिंदूर रखे हुए हैं और लिप बाम्स रखे हुए हैं, और एक और ऊपर वाली ड्रॉर है इसमें मैंने अपनी वॉचेज रखी हुई हैं। तो गाइज ये भी काफ़ी सुंदर है, ये ऑर्गेनाइज़र आप ले सकते हो, काफ़ी क्यूट ऑर्गेनाइज़र है, और ये आई थिंक 2 कलर्स में अवेलेबल है। इसका प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है। ये सारी परचेजेस पिछले साल की परचेजेस हैं जो कि मेरे काफ़ी काम आती है और मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ इनको। अब गाइज नेक्स्ट आते हैं बच्चों के टॉडलर के सेक्शन पे। तो गाइज मैंने पिछले साल त्रिशा के लिए वॉच खरीदी थी, और सच में ये वॉच मेरे लिए काफ़ी एकदम तरीके से बून साबित हुई है, क्योंकि त्रिशा इससे बहुत ज़्यादा खेलती है, इतना खेलती है कि इसने कुछ एक तो ये खाली मतलब क्लॉक, इसे बड़े बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम सिखाने वाली जो क्लास होती है वो आती है, तो उसके लिए भी काफ़ी ये यूजेबल है। प्लस जो टॉडलर है यानी कि 2 से 3 साल के बच्चे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनको ये एक तरीके से एक्टिविटी की तरह आप यूज़ करा सकते हो। जैसे इसमें शेप्स दे रखे हैं, तो इस तरीके के ये अलग अलग ब्लॉक्स भी दे रखे हैं, तो जैसे ये 6 दे रखा है तो 6 इसमें अरेंज कर दो, फिर उसके बाद 8 है, तो ये इस तरीके से त्रिशा इससे बहुत ज़्यादा खेलती है, और ये त्रिशा का आई थिंक फेवरेट टॉय है। तो इसलिए इसको देखने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके लिए अल्फ़ाबेट भी मंगाने चाहिए, तो इसलिए मैंने उसके लिए नेक्स्ट जो टॉय है वो ही मंगाया, वो भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो इसका प्राइस आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा जितने का भी है ये, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, तो मैं बाद में यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी। तो अभी ये खेल रही थी तो कुछ इधर उधर पड़े हुए हैं, तो अभी अरेंज नहीं करके रखा, और ये पूरी कवर्ड आती है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यूज़ हुआ। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट भी ये बोर्ड सेट है, तो इसमें 2-3 बोर्ड आते हैं, देखो ये कितने एक्साइटेड है, आप खुद ही देख लो बच्चों के लिए कितना एक्साइटमेंट, और एकदम वो एकदम अट्रैक्ट, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो शेप के अकॉर्डिंग, जैसे वो ए है, ए की शेप देखेगा। तो गाइज इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड शेप्स, तो ये 3 बोर्ड आप अपने बच्चे के लिए मंगा सकते हो, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, और वो आधे से ज़्यादा टाइम इसी में इंगेज रहेगा, प्लस उसका स्क्रीन टाइम भी कम होगा, जो कि आधे से ज़्यादा माओं की दिक्कत होती है, बच्चे टीवी में घुस जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, स्क्रीन टाइम भी कम होगा। तो इसमें 3 आते हैं बोर्ड, वैसे तो अलग अलग भी आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, तो इस 3 बोर्ड आते हैं, अल्फाबेट, नंबर एंड शेप्स। त्रिशा हार्ट, हार्ट लगाओ उस पे, हार्ट पे, गुड जॉब। और सर्कल, यस, गुड जॉब। ट्राइंगल, तो ये तो टॉयज की बात हो गई, अब बच्चों के लिए सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके जो होम है उसमें बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके होम में बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेबल का कोना हो गया, या फिर किचन का कॉर्नर हो गया, जितनी भी एजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अमेजोन से ये मंगवाया है, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अभी वो मैंने बेड में अटैच कर रखा है, तो फिर मैं वो आपको भी नहीं दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको एक्चुअली मैं वैसे दिखाऊँगी वीडियो अलग से अटैच करके। गाइज ये एकदम मैं तो काफ़ी लेट इसको लगाया, लेकिन आप जल्दी लगा लो। और एक और चीज़
आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ अभी मैं। तो गाइज इस तरीके के लव लैब के स्विचेज हैं, अपने स्विच बोर्ड में लगा देना। हमारे यहाँ तो मोस्टली लॉक हैं, एक दो ही हैं जो खुले हुए हैं। तो ये जिनके यहाँ ओपन स्विच वाला होता है सिस्टम उनके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे, ठीक है। और अफोर्डेबल रेंज में इसको आप ऐसे करके पेस्ट कर दो एंड दैट्स ऑल गाइज। और एक और चीज़ यूजफुल है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये इस तरीके के, ये स्क्रीनशॉट मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पर, इस तरीके के स्टिकर है, वॉल स्टिकर में आप लगा दो और कुछ भी हैंग कर सकते हो। वो मैंने त्रिशा के बैग्स उसमें हैंग करके रखे हैं, ये भी काफ़ी यूजफुल। छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत यूजफुल चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम ज़्यादा स्क्रू दीवार नहीं ठोक सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरीके के पेस्टिंग वाली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी काम आती हैं। अब गाइज आते हैं एक्सपेंसिव आइटम यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में। तो उसमें से जो सबसे, मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं दूसरे तरीके की प्रेस देख रही थी बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी। मैं स्टीम प्रेस आपको दिखाती हूँ। यहाँ पहले तो आप स्क्रीनशॉट देख लो, इसका प्राइस देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको अपना ला के दिखाती हूँ। गाइज तो ये है गुड सिटी की स्टीम प्रेस और ये काफ़ी हैंडी है। आप इसको ईजिली अपने, अगर आप कहीं जा रहे हो तो इसको ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हो। ये भी मेरी अमेजोन की काफ़ी अच्छी परचेज। हाँ ये बहुत ज्यादा गुच्चड़ वुच्चड़ हो रखे हैं कपड़े, एकदम ही क्रस्ट हो रखे हैं, उनको नहीं करेगा। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अगर आपकी जैसे साड़ी वगैरह है उसमें हल्की हल्की सी सिलवट पड़ रही है तो उसको ये अच्छे से स्टीम प्रेस करेगा। पहले मुझे लगा ये दूर दूर से करते हैं बट ये पास से करते हैं। इसके साथ ये ग्लव भी आता है जो कि गंदा हो गया क्योंकि अभी हम इसको ओवन के लिए यूज करते हैं इस ग्लव को। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, बस हाँ हाथ थोड़ा बचा के। तो आपको कैसे स्टीम प्रेस करना है, इसमें पानी भर दो और इसका वाटर लेवल भी लिखा होगा कि यहीं तक भरना है, और ऐसे करके इसको डाल दो, स्विच में लगाओ और आपके सारे जो क्लोथ हैं वो आयरन हो जाएंगे। आई थिंक मैंने कोई रील भी बनाई हुई है। नेक्स्ट गाइस हम लोग ने परचेज करा है ये हीटर, ये है बजाज का हीटर। और गाइस इसमें सच बताऊं इसको एक घंटा चला लो और रूम इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि आपको पंखा चलाना पड़ता है या फिर इमीडिएटली बंद करना पड़ता है, बहुत ही गर्मी हो जाती है। और मतलब थोड़ी देर चला लो, रूम गर्म कर लो और आपका काम हो जाएगा। तो ये हीटर भी काफ़ी यूजफुल परचेज है ये। तो इसके प्राइस और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगी। नेक्स्ट का इस अप्लायंसेस में हमने परचेज़ करा था, अभी मैंने बहुत एक वीडियो में अनबॉक्सिंग भी करके दिखाई थी। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, बाकी मैं अलग से इसको दिखा दूँगी। हम लोगों ने इंडक्शन परचेज़ करा था, तो जैसे काफ़ी सारे आइटम होते हैं हमारे यहाँ, मिठाई जो है वो आए दिन बन जाती है, जैसे दूध की रबड़ी हो गई, गाजर का हलवा हो गया, दूध की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं और उसमें आपको पता है कि गैस कितनी खर्च होती है। तो उसके लिए इंडक्शन हमने ऑर्डर करा है और इंडक्शन में आपका काम भी इजीली हो जाता है। और कभी कभार हमारे पास एक ही गैस कनेक्शन है तो इमीडिएटली गैस ख़त्म हो जाती है, तो हमें इमीडिएटली कुक करने के लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने इंडक्शन परचेज़ किया है। तो गाइज़ ये है फिलिप्स का वीवा कलेक्शन इंडक्शन, ग्लास इंडक्शन है ये और कॉकटॉप विद सेंसर टच है। तो गाइज़ इसमें सेंसर टच कीज़ हैं ताकि आसानी से यूज़ हो सके, और ऑटो ऑफ प्रोग्राम है, और जो फूड है वो सेफली कुक हो जाता है और कंफर्टेबल है विदाउट फ्लेम कुकिंग करना, तो इसलिए भी काफ़ी सही है। और इसकी वारंटी जो है वो 1 ईयर है प्रोडक्ट पे, और पावर इसकी है 2100 वाट, तो काफ़ी सही इंडक्शन है। एंड लास्ट गाइज, लास्ट अगेन मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। तो हमने परचेज़ करा है ये वाला ओवन और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इंडक्शन तो अभी देखो मैंने नहीं चलाना सीखा है अभी तक भी, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले ही इंडक्शन आया है और आज मैं वीडियो बना रही हूँ अमेज़ॉन फाइंड्स की। और गाइज़ ये ओवन मेरे को यूज़ करना आ गया अच्छे से, इसमें आप इस वाले ओवन में मैं आपको पूरा दिखा भी दूँगी। और प्लस तो गाइज़ ये ओवन में चीज़ें हीट भी हो जाती हैं, मतलब गर्म भी हो जाती हैं, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें कुक हो जाती हैं। जैसे त्रिशा का एक बार गैस ख़त्म हो गई थी तो मैंने त्रिशा का दलिया उसमें कुक किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें छोले वगैरह हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाते हैं, स्नैक्स बन जाते हैं आपके, गार्लिक ब्रेड वगैरह ये सब बन जाते हैं। तो गाइज़ ये पैनासोनिक का 20 लीटर का सोलो माइक्रोवेव ओवन है, सिल्वर कलर है, पुश बटन कंट्रोल है, 800 वाट का है और डीप फ्रॉस्ट है इसमें। सो गाइज 1 ईयर की प्रोडक्ट पे वारंटी मिलती है और जो बैचलर्स हैं उनके लिए काफ़ी सही है क्योंकि बहुत ही इजीली कुक हो जाते हैं इसमें चीज़ें। सो गाइज ये इसके साथ रेसिपी बुक भी आती है, उसमें 51 रेसिपी हैं आई गेस, और इसमें स्नैक डेजर्ट और एवरीडे मील ये सब आप कुक कर सकते हो, और तो काफ़ी हैंडी है ये प्रोडक्ट, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा।
जाती हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी लास्ट अमेज़न फाइंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारी मतलब अमेज़न से परचेज करी हैं चीज़ें, लेकिन सारी मैं इस वीडियोज़ में नहीं दिखा सकती हूँ। हम लोगों ने अपने क्लोथ्स परचेज करे हैं, त्रिशा के क्लोथ्स, एक्स वाई जेड और भी टॉयज़ बुक्स वगैरह परचेज करी हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मैं इसमें नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो गाइज़ यही वीडियो यहीं पर, आपको अगर इन प्रोडक्ट के जो लिंक है वो चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा। बाय बाय।